हेलो स्टूडेंट्स, वाटर एनालिसिस के इस लेक्चर में आयन एक्सचेंज प्रोसेस और डी आयोनाइजेशन प्रोसेस और डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। जैसा कि जियोलाइट प्रोसेस में आपने देखा कि हार्ड वाटर से केवल कैटायन ही जियोलाइट से एक्सचेंज हो रहे थे, यानी कि एनायन अब भी सॉफ्ट वाटर के साथ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट के जब कैटायन वाले पोर्शन है, जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और जो एनायन वाला पोर्शन है, जैसे कि क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये दोनों ही आयन, कैटायन और एनायन, दोनों ही यहां पर रिमूव होंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस से, जबकि जियोलाइट में ऐसा नहीं होता था। यहां पर जो है इनसॉल्युबल क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर का यूज करते हैं, जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैटायन और एनायन दोनों को एक्सचेंज करते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर में यहां पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आप जानते ही हो, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी सब्सटेंस के रिएक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे यूज होगा, ठीक है, वो कैटायन और एनायन को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में होता क्या है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों को एक्सचेंज करने वाले रेजिन किस तरीके से होंगे उसको देखेंगे। यहां पर हम देखिए, यहां पर जो रेजिन वर्ड यूज हुआ है ये सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, जैसे जियोलाइट बीड आपने यूज किया था, ठीक वैसे यहां पर भी करेंगे। जियोलाइट में केवल एक कॉलम था, यहां पर दो कॉलम आपको मिलेंगे, एक कैटायन एक्सचेंजर कॉलम होगा और एक एनायन एक्सचेंजर कॉलम होगा। कैटायन एक्सचेंजर में हार्ड वाटर से कैटायन को रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद उस वाटर को पास कर देंगे एनायन एक्सचेंजर कॉलम में। एनायन एक्सचेंजर कॉलम में एनायन्स को रिमूव करते हैं। जब हार्ड वाटर से पूरी तरीके से कैटायन और एनायन फ्री हो, मतलब निकल जाएंगे, तो जो हमारा वाटर मिलेगा वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का कोई मिनरल्स या आयन्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो वहां पे जो कैटायन और एक्सचेंज रेजिन यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं इसको पहले हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद यहां फिगर बनाएंगे आपके कैटायन एक्सचेंजर कॉलम का, एनायन एक्सचेंजर कॉलम का, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है आयन एक्सचेंज और डी आयोनाइजेशन और डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। यहां पे मैंने बताया आपको कि आयन एक्सचेंज रेजिन यहां पे यूज होगा, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन आर इनसॉल्युबल क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक जुड़े होंगे सभी चेन आपस में जो होते लिंक होते हैं, क्रॉस लिंक लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर, काफी लंबी चेन होती है ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। देखो यहां ऑर्गेनिक पॉलीमर यूज हो रहा है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। विद अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर का मतलब कि ये जो पॉलीमर यूज हुआ है, यानी जो आयन एक्सचेंज रेजिन, उसमें पोर होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर क्या होता है पास होता है, और फिर जैसे जैसे वाटर उस पोर से पास होगा वहीं पे कैटायन और एनायन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे देखिए ये आपका है, सपोज दैट ये आपका क्या है, कैटायन या एनायन एक्सचेंज रेजिन है, इधर हार्ड वाटर है, यहां पास करेंगे इसको, तो जैसे इसके पोर से वाटर पास होगा वैसे वहां पर क्या होगा, कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होगा। तो पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे अभी। तो यहां पर माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है, बहुत स्मॉल पोर होते हैं इसमें, एंड द फंक्शनल ग्रुप, देखिए फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द चेन्स, attached to the chains are responsible for the ion exchanging properties, यानी कि जो organic polymer के साथ cross linked insoluble polymer के साथ जो functional group attach होगा,
वही हार्ड वाटर से कैटायन और एनायन को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर जो रेजिन यूज करेंगे, जो पॉलीमर यूज करेंगे, वो टू टाइप के होंगे। जैसे देखिए यहां लिखा है द आयन एक्सचेंज रेजिन आर टू टाइप्स। कितने टाइप के? टू टाइप के। तो ये के यहां पर कैटायन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन को हम सिंपल जब हम प्रोसेस पढ़ाएंगे तो वहां रिएक्शन को लिखने के लिए हम यहां इसको आर एच प्लस यूज करेंगे, यानी आर माइनस एच प्लस यूज करेंगे। तो ये जो आर लिखा हुआ है आर, ये पूरे ऑर्गेनिक पॉलीमर को रिप्रेजेंट करेगा और इसी के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होगा एच प्लस जिसमें होगा वो कैटायन को एक्सचेंज करेगा। तो रिएक्शन को इजी करने के लिए हमने यहां शॉर्टकट में कैटायन एक्सचेंज रेजिन को आर एच प्लस लिखा है। ठीक ऐसे ही एनायन, देखिए यहां पर लिखा है दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन, इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? आर प्लस OH माइनस, यानी कि जो यहां एक्सचेंजेबल पार्ट होगा, जो वाटर से एनायन को एक्सचेंज करेगा वह OH आयन करेगा। R यहां पे क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, यानी पूरे पॉलीमर को R से इंडिकेट किया गया है। तो ये होते क्या है, देखिए कैटायन एक्सचेंज रेजिन में आइए, कैटायन एक्सचेंज रेजिन यानी कि इट इज स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन। ठीक है, स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन का क्या है? ये को पॉलीमर है। स्टायरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन का ये क्या है? को पॉलीमर। को पॉलीमर आप जानते हो, ठीक है, डिफरेंट मोनोमर्स के जब पॉलीमर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? को पॉलीमर। विच आर सल्फोनेशन, देखो सल्फोनेशन कराया गया। सल्फोनेशन मतलब देखिए SO3H, यहां पर यह फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ होगा, और कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्लिक एसिड, जैसे देखिए COOH, ये फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़े होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटायन एक्सचेंज के लिए, यानी H+ ही कैटायन को एक्सचेंज करेगा, पूरा पॉलीमर एक्सचेंज नहीं करेगा। तो कार्बोक्सिलेशन बिकम, ये देखिए पूरा पढ़ रहा हूं मैं, सल्फोनेशन और कार्बोक्सिलेशन बिकम कैपेबल, कैपेबल टू एक्सचेंज देयर H+ आयंस विद कैटायंस इन द वाटर, यानी कि ये वाटर के कैटायंस को एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, देखिए यहां पे इसका स्ट्रक्चर इस रेजिन का, देखिए यहां पे स्टायरीन है तो स्टायरीन का मोनोमर ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2, और ये है बेंजीन रिंग, ये हो गया बेंजीन, इसे कहते हैं स्टायरीन। क्या कहते हैं इसको? स्टायरीन। और डाइविनाइल बेंजीन देखिए ये है CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये बेंजीन रिंग, फिर यहां पर क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये है डाइविनाइल, ये है डाइविनाइल, डाइविनाइल बेंजीन, और ये स्टायरीन, ये है स्टायरीन। अब इन्हीं के पॉलीमर के साथ इन्हीं को पॉलीमराइज करके हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन को बनाएंगे, और जिसमें आपके कैटायन एक्सचेंज करने के लिए सल्फोनेशन या कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, इसमें सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे। तो अब इन्हीं को पॉलीमराइज करा के मैं फाइनल कैटायन एक्शन रेजिन बता रहा हूं, कैसे बनाते हैं उसको आप सीखिए। यहां पर देखिए इस तरह से, तो इस तरीके से इसको पॉलीमराइज करेंगे। तो यहां पर देखिए CH2 ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर CH ये बेंजीन रिंग, ये आपका स्टायरीन का हो गया, नेक्स्ट ये पॉलीमराइज होगा CH2 CH, ये है डाइविनाइल CH, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट के साथ पॉलीमराइज होंगे
ऐसे ही आपका ये नेक्स्ट आप अगला जो होगा ये CH2CH, ये है बेंजीन रिंग यानी स्टायरीन आ गया, ये स्टायरीन है। तो इस तरीके से पॉलीमराइज होंगे, ठीक है। अब ये अगले वाले के साथ पॉलीमराइज हो जाएंगे, तो इस तरह से ये पॉलीमर बनते हुए चले जाएंगे। अगला यहां पे स्टायरीन लगा सकते हो CH2CH, ये देखें। तो यही जो स्टायरीन का जो ये पैरा पोजीशन है बेंजीन का, इसी पैरा पोजीशन पर हम यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे SO3H, SO3H यानी इसका सल्फोनेशन कराया है। और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस H प्लस और ये माइनस, यानी पूरा ऑर्गेनिक पॉलीमर जो हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव, और जो एक्सचेंजर एक्सचेंज करने वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया H प्लस। देखो यहां पर भी आप जहां जहां पर स्टायरीन का जो पैरा पोजीशन यानी बेंजीन का जो पैरा पोजीशन है वहां पे आप ये फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दीजिए। देखो यहां पर भी ऐड कर दिया SO3H, ठीक है। बाकी ये पॉलीमराइज होता हो चला जाएगा, देखिए कंटिन्यूएशन नहीं है। तो इस तरह से पूरा पॉलीमर यहां पर कैटायन एक्शन रेजिन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो एनायन एक्शन रेजिन में क्या होगा, यहां पर एनायन एक्शन रेजिन में बिल्कुल वही चीज है यहां पर, बस करेंगे क्या, केवल फंक्शनल ग्रुप यहां बदल देंगे। देखिए एनायन एक्शन रेजिन में इट इज आल्सो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर विच कंटेन एमिनो और क्वार्टरनरी अमोनियम ग्रुप, यानी इसमें OH ग्रुप रहेगा, बिकम्स कैपेबल टू एक्सचेंज OH आयंस विद एनायन इन वाटर। यानी कि एनायन एक्शन रेजिन में जो आपका स्टायरीन डाइविनाइल जो कोपॉलीमर है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसमें OH आयन ग्रुप होंगे, वही OH आयन हार्ड वाटर से एनायन को एक्सचेंज करेंगे, जो भी हम प्रोसेस में देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है आप देखें, यहां पर बिल्कुल वैसे है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यही बनेगा, केवल यहां फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दीजिए, आपको बार बार इसमें याद करने के रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए CH2CH, यहां बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग CH2CH, यहां बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब यहां पर भी आप चूंकि डाई बनाई लेंगे तो यहां पर CH CH2, नेक्स्ट CH2 CH, यहां बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना दिया। ऐसे यहां देखिए आगे कंटिन्यूएशन में ये स्टायरीन वाला ले लिया आपने, स्टायरीन को CH, और ये हमारा हो जाएगा CH। अब फंक्शनल ग्रुप यहां ले लीजिए जो कैटायन एक्शन करने वाले होंगे, तो यहां लिया आपने CH2N नाइट्रोजन ट्राइमेथाइल OH माइनस, ये देखिए ये क्वार्टरनरी अमोनियम है। क्वार्टरनरी मतलब कि एक नाइट्रोजन से चार कार्बन यहां पर जुड़े होंगे, एक CH2 हो गया, तीन एमई, एमई का मतलब होता है मिथाइल, एमई का मतलब क्या होगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर भी ऐड कर सकते हैं CH2NME3 thrice ट्राइमिथाइल OH माइनस, ये प्लस, यानी इसमें पूरा ऑर्गेनिक पॉलीमर पॉजिटिव हो जाएगा जिसे R से दिखाया है, और जो एक्सचेंजेबल वाला जो पार्ट होगा जो हार्ड वाटर से एनायन को एक्सचेंज करेंगे वो हो जाएगा OH माइनस। और कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होंगे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन में जो एक्सचेंज वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H प्लस आयन, ठीक है। तो इस तरह से कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन को यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैटायन और एनायन दोनों को एक्सचेंज करके हम हार्ड वाटर को क्या करेंगे सॉफ्ट वाटर में चेंज करेंगे।
जिसको हम लोग प्रोसेस में देखेंगे, देखते हैं क्या प्रोसेस है, इसका क्या फिगर बनेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस से कैसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं, उसको हम लोग ये डायग्राम से समझेंगे और इसके रिएक्शन समझेंगे। जैसा कि आपको ये पूरा डायग्राम दिख रहा है, इस पूरे डायग्राम में दो कॉलम है, एक ये कॉलम दिख रहा है ये, और एक कॉलम ये दिख रहा है। इस कॉलम को कैटायन एक्सचेंजर कॉलम कहेंगे, यानी कैटायन एक्सचेंजर बीड यहां पर रहता है, और इस कॉलम में एनायन एक्सचेंजर बीड रहता है। तो हार्ड वाटर को सबसे पहले हम कैटायन एक्सचेंजर कॉलम में डालते हैं। जब कैटायन एक्सचेंजर कॉलम में डालेंगे तो कैटायन एक्सचेंजर बीड के कॉन्टेक्ट में हार्ड वाटर आएगा, तो वहां पर क्या होगा, हार्ड वाटर में जो कैटायन होंगी, जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, वो कैटायन एक्सचेंजर से एक्सचेंज होंगे, जिससे कि यहां पर पूरे कैटायन रिमूव हो जाएंगे हार्ड वाटर से। फिर यहां से ये वाटर इस पंप के थ्रू, ये जो पंप लगा हुआ है, इस पंप के थ्रू यहां पर इस टैप को ओपन कर देंगे, तो इस पंप के थ्रू ये वाटर कहां जाएगा, एनायन एक्सचेंजर में। तो हार्ड वाटर में जो एनायन होते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, आपके बाइकार्बोनेट, वो यहां पर एक्सचेंज होंगे। अल्टीमेटली जो वाटर यहां से निकलेगा, ये सॉफ्ट वाटर, ये बिल्कुल आयन फ्री होगा, इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह यहां पर आपको वाटर मिलेगा। तो इसका क्या प्रोसेस है देखते हैं, इसके प्रोसेस को यहां पर देखिए। जब हार्ड वाटर को आपने कैटायन एक्सचेंजर में डाला, आपने इन कैटायन एक्सचेंजर कॉलम, तो क्या होगा, देखिए हमने बताया था कैटायन एक्सचेंजर रेजिन को शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते थे, RH+। तो ये वाटर में प्रेजेंट कैटायन कैल्शियम आयन, इसके साथ एक्सचेंज होगा ये, और ये फॉर्म करेगा R2 कैल्शियम, और यहां से 2H+ बाहर निकल जाएगा, बैलेंस करते हुए, चार्ज को बैलेंस करते हुए। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन यहां से हार्ड वाटर में जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायन है, मैग्नीशियम आयन, वो एक्सचेंज होगा R2 मैग्नीशियम, और 2H+ यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन है, वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन से क्या हुआ, वो एक्सचेंज हुआ, यानी कि कैल्शियम पॉलीमर के साथ आ गया, रेजिन के साथ आ गया, और H+ फ्री हो गया। अब ये बाकी जो एनायन और ये H+ इस कैटायन एक्सचेंजर से होते हुए इस पंप के थ्रू कहां जाएंगे, एनायन एक्सचेंजर कॉलम में। तो यहां एनायन एक्सचेंजर बीड रखा हुआ है, ये वाटर यहां पे इसके कांटेक्ट में आएगा, यहां पे आएंगे इसके कांटेक्ट में आएंगे, यहां पर भी देखो आ रहा था, यहां तो हो गया रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, यानी कि इन एनायन एक्सचेंजर कॉलम, अब इसमें क्या रिएक्शन होंगे, अब वाटर में क्या प्रेजेंट है, वाटर में अब एनायन प्रेजेंट है और H+ आयन प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये एनायन एक्सचेंजर बीड के कांटेक्ट में आएगा, तो ये रिएक्शन देखिए, एनायन एक्सचेंज रेजिन को शॉर्टकट में हमने क्या बताया था, ROH- ये प्लस होता है। तो एनायन कौन कौन से होंगे हार्ड वाटर में, जैसे क्लोराइड आयन ये इसको एक्सचेंज करेंगे RCl, और क्या निकल जाएगा, OH-। ऐसे ही एनायन हार्ड वाटर में सल्फेट आयन होंगे SO4-2-, R2SO4 और प्लस OH-। बैलेंस कर दीजिए, नेक्स्ट यहां पर ROH- बाइकार्बोनेट आयन भी इसमें प्रेजेंट होंगे,
आर एच सी ओ थ्री और यहां से हो गया ओ एच माइनस। तो अब आप देखिए कैटायन एक्सचेंजर में कैटायन रिमूव हो गए, एनायन एक्सचेंजर में एनायन रिमूव हो गया, तो अल्टीमेटली जो इससे आपका एनायन एक्सचेंजर से जो सॉफ्ट वाटर निकल रहा है, इस सॉफ्ट वाटर में जो रिमेनिंग जो कैटायन एक्सचेंजर में H+ आयन थे और एनायन एक्सचेंजर में जो OH आयन थे, अल्टीमेटली ये भी इसके साथ आपस में मिलके ये क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर ही फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से जो सॉफ्ट वाटर यहां मिलेगा वो बिल्कुल मिनरल फ्री होगा, डिस्टिल वाटर जैसा होगा, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी मिनरल्स नहीं होंगे। तो कैटायन और एनायन में इस तरह से कैटायन हार्ड वाटर में कैटायन रिमूव होंगे और एनायन यहां पर रिमूव होंगे एनायन एक्सचेंजर में। तो इस तरीके से यहां पर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर समझ लीजिए, यहां पर ये कैटायन एक्सचेंजर कॉलम, कैटायन एक्सचेंजर कॉलम में कैटायन रिमूव होंगे, एनायन एक्सचेंजर कॉलम में एनायन रिमूव होंगे। हम पंप के थ्रू कैटायन एक्सचेंजर से वाटर को कहां पास करेंगे, हम एनायन एक्सचेंजर में। तो एक क्वेश्चन आता है, यहां एक क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ड वाटर को पहले एनायन एक्सचेंजर कॉलम में क्यों नहीं डाला, यानी कि एनायन एक्सचेंजर बीड से ही पहले क्यों नहीं इसको रेड कराया। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर आपने एनायन एक्सचेंजर कॉलम में पहले हार्ड वाटर को आप डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, OH आयन मिलेगा, क्योंकि ये एनायन को एक्सचेंज करेगा। तो ये जो OH आयन है ये कैटायन एक्सचेंजर पर अटैक कर देता है, ये कैटायन एक्सचेंजर के एक्सचेंज प्रॉपर्टी यानी कैटायन एक्सचेंजर के लिए क्या होता, सुटेबल नहीं होता, क्योंकि OH आयन जैसे यहां आएगा तो OH आयन इस H+ को लेकर निकल जाएगा और जैसे H+ को लेकर निकलेगा तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो यहां पर R ये जो खाली हो जाएगा, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये कैटायन को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए H+ होना चाहिए, तो इसीलिए यहां पहले हम वाटर को कैटायन एक्सचेंजर में डालते हैं और फिर यहां पर क्या करते हैं, एनायन एक्सचेंजर में डालते हैं। हम एनायन से स्टार्ट नहीं करते, अगर एनायन से स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये एनायन से मिला हुआ जो OH आयन है, ये OH आयन इस कैटायन एक्सचेंजर के H+ आयन पर अटैक कर देगा। तो जब H+ आयन रहेगा ही नहीं तो फिर कैटायन का एक्सचेंज भी नहीं होगा, ठीक है, हार्ड वाटर से। तो इस तरीके से ये हो गया प्रोसेस। अब देखिए यहां पर भी जब ये लगातार एक्सचेंज प्रोसेस होता रहेगा तो इस कैटायन के जो पोर हैं, जो कैटायन के छिद्र हैं, वो कैटायन के छिद्र यहां पर क्या होते हैं, अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कैटायन और एनायन ये थोड़े बड़े आयन होते हैं जिससे इनके पोर जो होते हैं ये सीज कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या इनका पोर बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसके पोर को दोबारा ओपन करने के लिए बिल्कुल जियोलाइट के जैसा हम यहां पर भी क्या कराएंगे, रीजनरेशन प्रोसेस कराएंगे। तो उसका रीजनरेशन प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं, इसका रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंजर बीड एंड एनायन एक्सचेंजर बीड। देखिए यहां कैटायन एक्सचेंजर में क्या बना था, कैटायन एक्सचेंजर में R2 कैल्शियम, R2 मैग्नीशियम ये बने थे एक्सचेंज करने के बाद। एनायन में क्या बना था, यहां बना था RCl R2SO4 ये बने थे, मतलब एनायन एक्सचेंज करने के बाद। तो ये बल्कि आयन होते हैं, बड़े आयन होते हैं जिससे इनका जो एक्सचेंजर का, एनायन एक्सचेंजर का और कैटायन एक्सचेंजर का जो पोर है वो क्या होता, ब्लॉक हो जाता है। तो इनको ओपन करने के लिए कैटायन एक्सचेंजर में हम यूज करते हैं एसिड का, यानी इसमें H+ आयन रहेगा, जैसे HCl हो गया ये यूज कर लिया, H2SO4 यूज कर लिया। और एनायन एक्सचेंजर के रीजनरेशन के लिए हम यूज करते हैं बेस, हम यहां क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, मतलब कि इसमें OH आयन यहां पर रहेंगे। तो कैसे होता है देखिए, जैसे ही हम इसका रीजनरेशन कराएंगे तो
तो सबसे पहले हम हार्ड वाटर वाला जो टैप है हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ये जो पंप वाला जो टैप है इसको बंद कर देंगे और सॉफ्ट वाटर जहां से निकल रहा था उस टैप को भी हम यहां क्या करेंगे, बंद कर देंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप रीजनरेशन कराएंगे। तो कैटायन एक्सचेंजर में हम यहां पर एसिड को यहां से क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। यहां देखिए इंजेक्ट करेंगे, यहां से इंजेक्ट करेंगे या यहां से पंप करेंगे, जिससे कि एसिड जो है यहां से होते हुए इस कैटायन एक्सचेंजर बीड पर आएगा। तो जैसे जाएंगे तो यहां पर क्या बन चुका है, R2 कैल्शियम प्लस एच प्लस, इसे रिएक्ट करके दोबारा क्या बना लेगा, ये आर एच माइनस ये टू और कैल्शियम टू प्लस बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही आर टू मैग्नीशियम टू एच प्लस ये बन जाएगा आपका दोबारा आयन कैटायन एक्सचेंज रेजिन दोबारा बन जाएगा और मैग्नीशियम टू प्लस निकल जाएगा। तो ये जो कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन जो ये बने हैं वो यहां से होते हुए क्या होंगे, ये टू सिंक, सिंक की तरफ चले जाएंगे, यहां पे टू सिंक की तरफ चले जाएंगे। फिर यहां पर देखिए एनायन एक्सचेंजर बीट के रीजनरेशन के लिए क्या करेंगे, बेस यहां पर हम इसको पंप करेंगे, यहां से यहां पे बना देते हैं इंजेक्ट करने के लिए या पंप करने के लिए यहां बना देते हैं। जब यहां इसको पंप करेंगे तो बेस जो है वो एनायन एक्सचेंजर बीट में आएगा। तो यहां पर क्या बन चुका है, देखिए आरसीएल उसके पोर इसकी वजह से ब्लॉक हो चुके हैं, इसको ओपन करना है तो OH माइनस आर OH दोबारा ये क्या बन गया, एनायन एक्सचेंज कॉलम में ये एनायन एक्सचेंज रेजिन बन गया और क्या निकल जाएगा Cl माइनस। ऐसे ही RSO4 ये R2SO4 2OH माइनस बैलेंस करते हुए फिर से क्या बन गया ROH और ये SO4 2 माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यही जो आपका क्लोराइड आयन सल्फेट आयन है वो क्या होंगे, क्योंकि ये देखो मेन टैप तो बंद है, मेन वाला टैप यहां बंद है तो ये क्या होगा, यहां से ये टू सिंक के यहां अलग टैप लगा होता है इस कॉलम से यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको और फिर इसको साफ करके इसको दोबारा फिर हम इसको यूज कर देंगे। तो रीजनरेशन के बाद फिर से हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन रेडी हो जाएगा टू सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए ये फिर से तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखो ग्रेवल्स यूज हुआ है कैटायन एक्सचेंजर बीड के नीचे और एनायन एक्सचेंजर बीड के नीचे जो ग्रेवल है, ये ग्रेवल ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ईंट पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं, मैंने जियोलाइट भी बताया था। इसका यूज ये होता है कि जो वाटर है वो एकाएक बह के ना निकल जाए, ये थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप सीपेज टाइप से यानी कि थोड़ा लीकेज करते हुए, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से बाहर आए ताकि कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर में रिएक्शन इजिली हो सके, वहां एक्सचेंज प्रोसेस के लिए कुछ टाइम मिल सके, इसीलिए वाटर यहां पर थोड़ी देर रुक रुक के बाहर आता है, यहां पर यहां से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से इसका रीजनरेशन हो गया। ये कैसे यहां पर, और जो वाटर यहां मिलेगा वो बिल्कुल क्या मिलेगा, मिनरल फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसका हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अब वो क्या होता है देखते हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम देखते हैं क्या है। एडवांटेजेस देखिए, द प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू सॉफ्टन हाईली एसिडिक और एल्केलाइन वाटर, यानी कि इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं वाटर में अगर एसिडिक और एल्केलाइन का अमाउंट ज्यादा है तो। इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस लगभग 2 ppm, सो इट इज वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग वाटर फॉर यूज इन हाई प्रेशर बॉयलर, यानी कि इसमें जो हार्डनेस होती है वो बहुत ही कम, मतलब कि नाम मात्र का होता है, यानी कि 2 ppm मतलब कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर जैसा होता है।
इस वाटर का यूज हम लोग डोमेस्टिक पर्पज में नहीं कर सकते, यानी कि पीने में नहीं कर सकते, खाना बनाने में नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें कोई मिनरल होते नहीं है जो हमारे बॉडी के लिए आपके मतलब कि इतनी यूजफुल नहीं है, इसीलिए इनका बॉयलर में ज्यादा यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज कैपिटल कॉस्ट इज हाई सिंस केमिकल एंड इक्विपमेंट, जो इसका उपकरण है, जो इक्विपमेंट है, ठीक है, बोथ आर कॉस्टली, यानी कि जो केमिकल यूज करेंगे, जैसे कि आपका ये देखिए कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और एनायन एक्सचेंजर रेजिन, ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और ये बहुत महंगे भी आते हैं, तो इसीलिए मतलब कॉस्टली कॉस्ट इनका ज्यादा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इफ वाटर कंटेन्स टर्बिडिटी देन द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस इज रिड्यूस्ड। टर्बिडिटी जिसे आपने उसमें देखा था जियोलाइट में भी, अगर टर्बिडिटी रहेगी, यानी कि थोड़े बहुत सैंड पार्टिकल हो, सॉइल पार्टिकल हो, थोड़ी गंदगी अगर उसमें रहेगी, तो उसके लिए ये क्या होता है, मतलब कि उसको ये रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज का प्रोसेस ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।